फ्लेवर तो पता नहीं अभी गुड़चूर फ्लेवर तो पता नहीं पर वो है इसमें कलर ज्यादा है। एक कसाटा वाले वो आ हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इवनिंग में चल रही है हम सबकी, हम तीनों की आइसक्रीम। और थैंक यू पंखा बंद करने के लिए, आवाज आती है ना साफ। मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, पता है। तो ना हम सबकी ना तीनों की ना अलग अलग आइसक्रीम है, तो एक दूसरे से देख रहे थे कि कैसा स्वाद आ रहा है इसका, तो तीनों का अलग अलग आ रहा है। ये मुझसे पूछ रहे तुम्हारा कौन सा फ्लेवर आ रहा है, मैंने बोला मेरे को तो तीन चार कलर है। वैसे ना ये आरना की है ये, पर इसने मुझे इसने अपनी दे दी और मेरी इसने ले ली। अब उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती, इसलिए मैंने इधर ही रख दिया। और मेरे हस्बैंड मैं जहाँ जाऊँ वहीं पर ही आ जाते और मैं इनको बोलती हूँ कि वैसे वीडियो में आते नहीं हो। और आगे पता क्या कह रहे थे, बोल रहे थे कि तुम तो जहाँ मर्जी कैमरा सेट करके रख देते हो, मुझे क्या पता कि क्या तुम्हारा कैमरा वो चल रहा है बंद है। ये लो, आज गर्मी बहुत हो रही है, पड़ कर बेटा ऐसा कर ना, तुम इसी से खेल लो, ये बहुत सारा ही खराब हो गया बेटा। तो अंदर का सारा काम ख़त्म करने के बाद ना इतनी गर्मी लग रही थी ना अंदर, और मैं इसलिए बाहर आ गई थी। कॉरिडोर में हवा अच्छी चल रही थी, पर बालकनी में पता नहीं क्यों नहीं हवा लगती है। अगर थोड़ी सी हवा चल रही होती है तो वहाँ नहीं लगती है, इस साइड अच्छी हवा लगती है मुझे। तो मैं और आना थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे, कम से कम अंदर से राहत, बाहर अच्छी राहत मिल रही थी अंदर से। उसके बाद आज
8 बजे रात को दिए जलाए जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो करते करते टाइम हो ही गया था रात का, और डिनर में पाव भाजी बनाना है तो उसकी भी तैयारी हो चुकी थी। तो 8:15 का टाइम हो रहा था यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दिए जला दिए थे और बाहर मैं रखने जाऊँगी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। और जो हमारे जो सामने जो मंदिर है ना, इतना जगमगा रहा था वो दियों से कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी जैसे पहले जब पहले दिए रखे गए थे, इस बार ज़्यादा मुझे ऐसी रौनक नहीं दिखी अपने यहाँ पर, ऐसी कोई मुझे रौनक नहीं दिखी। बट जब मोदी जी ने बोला था कि दिए जलाए जाएंगे, मुझे तो याद भी नहीं है कौन सी डेट थी वो जब दिए जलाए गए थे, तब बहुत अच्छी वाली मतलब ऐसा लग रहा था कि दिवाली मनाई गई हो, बट इस बार ऐसा नहीं लगा था। बट हाँ ये था कि मंदिर को देख के लग रहा था कि हाँ आज दिवाली है, ऐसा लग रहा था उसको देख के। मंदिर बहुत अच्छा सजाया हुआ था आज। तो बस यहाँ मैं पूरे में दिए रख दूँगी, उसके बाद दिए रखने के बाद ना, क्योंकि बस मैंने खैर उसकी तैयारी कर तो ली थी पाव भाजी बनाने की, तो बस जाके अब मुझे पाव भाजी बनाना है क्योंकि भूख जो है बहुत तेज़ लग रही है मुझे। तो उसके बाद मैं चली गई थी अंदर देखने के लिए एक बार कि वो सब्ज़ी मुझे निकालनी थी, तो सब्जियों को भी जाके मैंने निकाला कुकर में क्योंकि उबाल ली थी मुझे। मेरे पास जितनी सब्जियां थी ना, मैंने उतनी ही सब्जियों की बनाई थी, मेरे हस्बैंड को ही खाना था, मुझे तो खाना ही नहीं थी, तो उन्हीं के लिए मैंने थोड़ी सी बना दी थी। तो एक बार देखने के लिए चली गई थी, तो ठंडे भी हो चुके थे अच्छे से। तो बस यही है, फिर जाके दोबारा बालकनी में जाऊंगी, उनसे पूछूंगी बनाना है या नहीं बनाना है, कब बनाना है। तो सोचा पहले इसको तैयारी कर लेती हूँ उन सब चीज़ों की। आज तो दिवाली बन गई, चलो मैं जाती हूँ खाबू बना के आती हूँ पाव भाजी हैं। ये दोनों बाहर अपना एंजॉय कर रहे हैं, बम जल रहे हैं ना वो देख रहे हैं, और मैं जा रही हूँ पाव भाजी बनाने के लिए। आज खाएंगे पाव भाजी, वैसे मेरा मन नहीं है, इनका मन है, इनका फेवरेट है पाव भाजी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो चलिए बना लेते हैं, टाइम भी हो चुका है। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है, और आज मुझसे थोड़ी गलती होगी, जो प्याज थी ना वो मुझसे थोड़ी सी मोटी कट गई है, और बस तेल गर्म हो गया है, मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिया है। जो टमाटर है ना वो मैंने सब्जी के साथ ही उबाल दिया था, वैसे नहीं डाला था मैंने, पर वैसे तो खैर मैं हमेशा ही प्याज के साथ ही टमाटर को डालती हूँ, बट मैंने सोचा चलो आज मैं सब्जी के साथ ही उसको उबाल देती हूँ तो और अच्छा वाला फ्लेवर आ जाएगा इसमें। मैंने जब प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, और जो पाव भाजी जो मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हल्दी डाल के। तो बस अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद ना इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। वैसे ना जो पाव भाजी जो मसाला है उसमें लिखा हुआ था कि नमक नहीं डालना, बट मैंने एक बार चेक करके देखा ना तो मुझे नमक लगा ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, और जो मेरी भाजी जो थी उबली हुई वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस यही था, ऐसे ही बनाती हूँ मैं सिंपल, तो अच्छा बनता है। और बटर जब बन जाएगा पूरा अच्छे से तो मैं इसमें बटर भी ऐड कर दूंगी। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, सबको पता ही है कि मैं कैसे अपना खाना बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बटर भी ऐड कर दिया है, और पाव जो भाजी है वो भी ऐड करने के बाद जब मेरी भाजी बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी ना, तब मैं उसमें बटर भी ऐड कर दूंगी।
बात कर रहे ना, और आपको मेरा फेस अजीब सा लग रहा होगा। एक्चुअली मैं छीक छीक इतनी परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आया, जुकाम नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं है, पर एक हफ्ते से शायद ज़्यादा हो गया है। और इतनी मतलब थोड़ी सी भी नोज में थोड़ी सी भी जैसे चिड़चिड़ी सा मिर्च टाइप का लगते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुकाम सा हो गया है। और एक छींक आएगी फिर जुकाम, अभी छींक छींक मार मार के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। खैर चलो छोड़िए, पता नहीं मुझे एलर्जी हो गई किस चीज़ से हो गई, खुद समझ नहीं आ रहा। तो और मैं आपको ना आना के गिफ्ट दिखाती हूँ जो हमने दिए हैं। पहला तो जो उसके पहला तो था वो उसमें चॉकलेट का डिब्बा था वो दिया था, और दूसरा आपने देखा ही था कि उसको वो मोगली देखती है ना, तो उसमें मोगली जो होता है ना वो फिश पकड़ता है, तो एक ये था फिश पकड़ने वाला। ये मैग्नेट वाला है, ये इस तरीके से ऐसे चिपक जाता है, ये मैग्नेट वाला है। एक ये दिया था, और ये तो आपके सामने ही खोला था है ना, मतलब ये दो चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बिजी रहती है आना, तो ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके से इसको बनाना होता है, तो ये जब से हमने दिया है तो इसमें बहुत बिजी है, उसने फ़ोन को साइड में छोड़ दिया है। तो ये थे इसके तीन गिफ्ट, एक तो था चॉकलेट, और एक दिया है हमने इसको वो उसके पास एक वो है ना उसके पास क्या कहते हैं पिज्ज़ा का सेट भी, एक बार वो मेरे साथ खेल रही थी तो उसी को ही मतलब उसको टेंट हाउस का भी बहुत शौक है, क्योंकि जब भी मेरे कपड़े सूख रहे होते हैं ना कपड़ों के स्टैंड पर, तो वो उसके कपड़े को उतार के और उसका टेंट हाउस बना देती है, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी इस चीज़ के लिए, तो फिर उसको ये ला कर दिया। तो ये है इसका फोर्थ वाला गिफ्ट जो उसको दिया है, तो आज ये पूरे दिन इसमें खेली है। तो ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वाला है, तो इसके साथ तो इसके पास और भी रखे थे टॉय वगैरह, आप एक बार मेरे साथ खेल रही थी तो वो है, इसके साथ एक पिज़्ज़ा का है और उसके साथ एक चाकू भी है और एक ये है। तो ये दिए हैं उसको आर्ना को गिफ्ट बस, तो थोड़ा सा इनमें बिजी रह गई मतलब रह रही है दो दिन से, तो अच्छा लग रहा है। तो बस यही सब है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब मर्जी छींक आ जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप सबको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना इसका इलाज क्या है। मैं एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, एलर्जी तो है पर पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।